खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन व नियंत्रण में कार्यरत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रेरणा से ही ये सरल व सहज रोजगार निर्देशिका एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर आप सबके लिए प्रस्तुत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल के आह्वान को साकार करने हेतु वर्तमान में COVID-19 वैश्विक महामारी के कठिन समय में ग्रामीण व शहरी लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने में सहायक होगी। खादी के लिए देश के लिए काम कर रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष 75वीं वर्षगांठ पर बहुत सारे निर्णय हुए। PMGP की योजना हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत 16 तारीख को पूरे विदर्भ रीजन का एक मार्गदर्शन, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और उसमें आम लोगों को जानकारी देने का काम, रोजगार से संबंधित विशेष जानकारी देने के लिए और इस प्रकार के पूरे कैंप और हमारे कार्यशाला विभिन्न जगह आयोजन किए जाएंगे, प्रशिक्षण शिविर लिए जाएंगे और लोगों को रोजगार देना, मध्यम वर्गीय परिवार जो भी और जिनको भी आवश्यकता है उनको देना, ये निश्चित रूप से ये बड़ा प्रोग्राम KYC ने लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम लोगों ने बहुत सारे राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी ली। मैंने आपको बताया कि हम देश का सबसे बड़ा फ्लैग बनाने जा रहे हैं, 225 फीट चौड़ा, 150 फीट लंबा, वो पूरे देश में 15 तारीख के बाद वो तैयार होने का है। असल में हमारी 16 तारीख से जिम्मेदारी थी लेकिन वो हो रहा है 1 सितंबर को तैयार। कितना मीटर कपड़ा फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा बताया और उसका जो बेस है वो 1.5 टन का है और वो पूरे उसको आर्मी के माध्यम से, क्योंकि उसको किसी, ये जो शासकीय प्रोग्राम है इसमें किसी प्रकार का बाकी नहीं, वो आर्मी के माध्यम से हो रहा है। वो पूरी आर्मी जैसा यहाँ पर भी यदि नागपुर में आया तो उनको लगेगा कि जहाँ जो दिल्ली में भी जो सबसे शीर्ष जगह, सबसे हाईटेक जगह है वहाँ पर वो 10 दिन के लिए लगेगा और आखिरी में वो लाल किले में 2022 की 15 अगस्त को वो लाल किले में आर्मी को प्रधानमंत्री अपनी हस्ताक्षर से उसको सौंपेंगे 2022। मतलब ये झंडा पूरे देश में राष्ट्रीय बना। फिर मैंने पासपोर्ट के संबंध में ही बताया और भी 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग खादी गांव नाम रखा है, जहाँ रोजगार उपलब्ध कराने की बहुत सारी उसकी पूरी डिटेल जानकारी है मेरे पास में दोनों, और साथ में हम लोगों ने रोजगार युक्त गांव में बहुत सारी योजनाएं। अभी हमारे किसान भाई आप लोग देख रहे हैं, किसान भाई दुखी हैं और ट्रैक्टर है और बाकी एसेसरीज, आज की आधुनिक खेती करना सबके बस का काम नहीं। किसी गांव में आप जाइए तो यदि 100 लोग किसान काम कर रहे हैं, 5 लोगों के पास में एसेसरीज या ट्रैक्टर रहते हैं। PMGP के योजना के अंतर्गत हमने ये सब चीज़ों को जोड़ दिया है और इसका है रूरल इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम करके, इसका ये एक प्रकार से ये होगा कि जो भी ट्रैक्टर और एसेसरीज हम दे देंगे उसका सर्विस, मतलब उस गांव के ग्राम पंचायत के साथ जोड़ेंगे और वो उसको एक घंटे के हिसाब से जो लोगों को आवश्यकता है उसका वो काम करेगा। तो इसको भी पूरे नेशनल इससे PMGP की योजना से जोड़ने का अभी नया निर्णय हुआ है। कृषि मंत्रालय से भी बातचीत हुई और ये बहुत बढ़िया है, किसानों को राहत देने के, जो छोटे किसान हैं जो ट्रैक्टर और ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो घंटे के हिसाब से भी आप काम करके अपनी खेती और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपको भविष्य में जानकारी इसकी मिलेगी।